इस वीडियो में हम विमानन में 5 खतरनाक दृष्टिकोणों के बारे में बात करेंगे और पायलट के प्रदर्शन पर उनका प्रभाव। मनोवृत्ति किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत विचार पैटर्न है, उसके अपने विश्वास के आधार पर राय या मानसिक दृष्टिकोण, पूर्वाग्रह या पूर्वाग्रह। विभिन्न अध्ययनों से पता चलता है कि मनोवृत्ति का निर्माण कई कारकों के कारण होता है, जैसे अनुभव, सामाजिक परिस्थिति, सीखना, कंडीशनिंग और अवलोकन। मनोवृत्ति मानव व्यवहार को प्रभावित करती है, जो मनोवृत्ति की एक व्यवहारिक अभिव्यक्ति है। संघीय उड्डयन प्रशासन ने पहचान की है 5 खतरनाक मनोवृत्तियां, जिनमें पायलटों के निर्णय और निर्णय लेने को प्रभावित करने की क्षमता। एक तरह से यह विमानन सुरक्षा के लिए अनुकूल नहीं है। इन मनोवृत्तियों की सूची इस प्रकार है: सत्ता विरोधी, आवेग, अजेयता, माचो और इस्तीफा। पहला है सत्ता विरोधी। इस मनोवृत्ति वाले पायलट का मानना है कि कोई मुझे नहीं बता सकता कि क्या करना है। वो अधिकार से नाराज है और नियमों और विनियमों को चुनौती देने की प्रवृत्ति रखता है। अक्सर उन्हें अप्रासंगिक मानते हैं। उसे ऐसा लगता है वो ये सब जानता है। उसकी उपेक्षा करना, नियम किसी कारण से बनाए जाते हैं। अगला है आवेगशीलता। इस प्रकार के रवैये वाला एक पायलट प्रवृत्त होता है किसी भी उत्तेजना पर तुरंत प्रतिक्रिया करे, स्थिति का विश्लेषण किए बिना और वैकल्पिक विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। घुटने के झटके की प्रतिक्रिया के समान के पुराने सिद्धांत की अवहेलना, नियंत्रण करें, विश्लेषण करें और कार्य करें। तीसरा है अजेयता। इस दृष्टिकोण वाला एक पायलट मानता है कि दुर्घटनाएं दूसरों के साथ होती हैं, उनके साथ नहीं। अपनी क्षमताओं पर अति आत्मविश्वास है। इस प्रकार इसमें शामिल जोखिमों को नजरअंदाज कर दिया जाता है, अनुचित मौके लेता है, सुरक्षा प्रोटोकॉल की अवहेलना करता है और दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है। अगला रवैया माचो है। इस दृष्टिकोण वाला एक पायलट प्रवृत्त होता है उसके कौशल और क्षमताओं को दिखाए, ये साबित करने के लिए वो दूसरों से बेहतर है। इस खोज में वो जोखिमों को नजरअंदाज करता है, सुरक्षा पहलुओं की अनदेखी करता है और नाहक अपने को उघाड़ता है खतरनाक स्थितियों के लिए। पांचवा भाव है त्यागपत्र। कभी कभी एक पायलट इस रवैये का प्रदर्शन कर सकता है, जिसका अर्थ यह है कि वो असहाय या पराजित महसूस करता है। उनका मानना है कि स्थिति उनके नियंत्रण से बाहर है, विचार करता है और क्वोट क्या फायदा है और क्वोट चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं, मेरी किस्मत वैसी ही रहेगी, और वो सकारात्मक परिणाम की आशा खो देता है। हम इन खतरनाक दृष्टिकोणों को संक्षेप में प्रस्तुत कर सकते हैं: सत्ता विरोधी, मुझे मत बताओ, आवेग, शीघ्रता से कुछ करो, अजेयता, यह मेरे साथ नहीं होगा, माचो, मैं उन्हें दिखाऊंगा, और इस्तीफा, क्या फायदा। पायलट के फैसले और निर्णय लेने को प्रभावित करने वाली सभी चीजें। अब हम उस पर विचार करें, आप एक क्रॉस कंट्री उड़ान की योजना बना रहे हैं, आपके यात्री शराब पी रहे हैं, लेकिन आप उनके साथ शराब पीने से मना कर दें। उनका सुझाव है कि आप इस मार्ग से कई बार उड़ान भर चुके हैं और मौसम की स्थिति भी उत्कृष्ट है, शराब न पीने पर चिढ़ाने लगते हैं। आइए अब हम इन स्थितियों पर आपकी प्रतिक्रिया पर विचार करें। यदि आप ऐसा मानते हैं, शराब पीने को लेकर सरकारी नियमन बहुत सख्त है, ये सत्ता विरोधी है। अगर आप अचानक ड्रिंक लेने का फैसला कर ले, यह आवेग है। यदि आप ये सोचकर पीने का निर्णय लेते हैं, थोड़ी सी शराब आप पर असर नहीं करेगी, यह अजेयता है। यदि आप अपने दोस्तों द्वारा किए गए अपमान से नाराज हैं और शराब पीना शुरू कर देते हैं तो उन्हें दिखाएं, यह माचो है। यदि आप ये कहते हुए उनकी इच्छा के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं कि यदि मेरा समय समाप्त हो गया है तो ये तय है कि मैं पीऊंगा या नहीं, और क्वोट, यह इस्तीफा है।
आइए अब हम प्रत्येक खतरनाक मनोवृत्ति के लिए मारक पर विचार करें। पहला है सत्ता विरोधी। नियमों का पालन करें, आमतौर पर वे सही होते हैं। आवेग, इतनी जल्दी नहीं, पहले सोचो। अजेयता, ऐसा मेरे साथ भी हो सकता है। माचो, जोखिम लेना मूर्खता है। और इस्तीफा, मैं असहाय नहीं हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। याद रखें, सुरक्षा और मनोवृत्ति का गहरा संबंध है। अच्छी जानकारी के साथ आपका प्रदर्शन 96% हो सकता है। कड़ी मेहनत से आप 98% तक सुधार कर सकते हैं। और अच्छे दृष्टिकोण के साथ आप 100% प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए सुरक्षित रहने के लिए अपना दृष्टिकोण बदलें। देखने के लिए धन्यवाद। अधिक सुरक्षा वीडियो के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नियमित सूचनाओं के लिए घंटी आइकन दबाएं।